ज़्यादा। ये देखिए जो रास्ता जा रहा है ये चला जाता है सारनाथ, पचकोसी होते हुए सारनाथ निकल जाता है, और ये देखिए ये चला जाता है राजघाट। वाराणसी रेलवे स्टेशन जाना है तो यहीं से वाराणसी रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं। और ये है पुराने पुल, और हम आपको देखिए इधर से दिखाते हैं, पहले दिखा दें यहाँ पे जो पानी की कंडीशन है और यहाँ के जो नदी के किनारे मकान बने हुए हैं उसकी क्या स्थिति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जितने मकान बने हुए थे ये सब पूरा पानी में जलमग्न हो चुके हैं। और यहाँ किनारे में आप देखिए कि एक मोहल्ला है, इधर के साइड में देखिए जितने मोहल्ले दिख रहे हैं ये सब पूरे पानी में डूब चुके हैं। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग थे वो लोग अपना घर छोड़ के कहीं और जाके रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और यह एक तरह से बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और हम आपको एक दूसरी तरफ भी दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो आप ये रॉड देख रहे हैं लोहे का रॉड पूरा ऐसे खड़ा है, और इसमें देख सकते हैं कि आप ये एक रस्सी बंधा हुआ है, ये तार की रस्सी बनी हुई है, इसी से पानी को कंट्रोल किया जाता है, पानी को रोक के रखा जाता है। और अभी स्थिति ये हुई है कि गंगा का जल स्तर बढ़ जाने के बाद जो वरुणा नदी में बाढ़ आ गया है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पानी पानी दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ के स्थानीय निवासी लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें ड्रोन शॉट दिखाने के लिए, तो अभी हम आपको एक बात बता दें कि हमारे पास अभी ड्रोन नहीं है, और अभी हम उतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं हैं कि हमारे पास हर सुविधा हो। तो अगर आप सभी लोग दोस्तों सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हमारे पास आने वाले समय में ड्रोन भी रहेगा और आप सभी को ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए एक जो ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा चला जाता है वरुणा पुल के पास नदीसर। और अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं काफ़ी बेचारे परेशान हैं और अपना घर छोड़ के बेघर हो चुके हैं लोग। भैया मिले हैं इसी वरुणा जो ये पुराने पुल है इसी के ऊपर खड़ा होकर बाढ़ देख रहे थे, और यहाँ के ये स्थानीय निवासी हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? नंदलाल। और आप भी यहीं कहीं आसपास में रहते हैं? तो ये बताइए कि ये पानी कब से इतना तेज़ी से बढ़ रहा है? दो दिन से। और यहाँ के लोगों को परेशानी किस तरीके का हो रहा है भैया? परेशानी यही हो रहा है कि मतलब कि जो डूब रहा है घर, इसके बाद इसको शिफ्ट करना है, यही सब ले जाना आ जाना, यही सब आपका परेशानी होगा। और कुछ के लिए जो कम रोजी रोटी था उसके लिए भी दिक्कत है, जब इसी में परेशान है तो हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। हाँ, ये बताइए कि कुछ सुविधा उविधा मिल रहा है कि नहीं सरकार की तरफ से? मिला है, कोई अभी प्रशासन देखने तक भी नहीं आया है कि आया है? करीब कल आए थे शायद, हम नहीं थे, कल आए थे तो फोन आया था, नहीं मालूम। कुछ खाने पीने के लिए या फिर यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों के लिए? सारा दिन नहीं थे। अच्छा, आप नहीं थे। भैया आप थे क्या यहाँ पे? आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आपका भी मकान डूबा है बाढ़ में? नहीं, अभी नहीं डूबा है, बचा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ के जो निवासी लोग हैं ये अभी कहाँ रह रहे हैं? निवासी लोग भाड़े पर रहे, किराए पे लोग गए हैं। तो इतना ये नदी के किनारे लोग मकान क्यों बनवाते हैं जब देखते हैं कि हर साल तो यही हाल होता है, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना लोग परेशान रहते हैं? सरकार को चाहिए ना ये सब करें। नहीं, सरकार तो हर जगह आके देखें, लेकिन कुछ निवासी लोगों का भी होता है ना कि भाई हम उस जगह पे ना जाए जहाँ पे हमें आगे चल के दिक्कत हो। ये तो बात है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है इधर? अगर आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा नाला था, बहुत छोटा सा नाला था, और ये नाला जाके मिल जाता है वरुणा नदी में। और अभी वरुणा नदी में मिलने की वजह से आप देख सकते हैं कि इस नाले का भी पानी काफ़ी ऊपर हो चुका है, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे मकान देख रहे हैं कि सब डूब चुका है।
एक फ्लोर सभी का मकान डूबा हुआ है। और इधर में आप देख सकते हैं कि ये हम पुराने पुल से, जहां अभी हम आपको वीडियो दिखाएं, पुराने पुल से मात्र हम 100 मीटर आगे आए हैं पचकोसी की तरफ। और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहां भी नाले के किनारे भी मकान बनवाना कितना खतरनाक है। देखिए हम आपको दूसरे साइड भी दिखाते हैं कि इधर का भी पानी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ के स्थानीय निवासी लोग बेचारे बहुत परेशान हैं और अपना घर छोड़ के किराए पे रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा दूर तक, देखिए उधर के साइड में जितने भी पुराने मकान हैं सब डूब चुके हैं, नए पुराने जितने भी मकान बने हुए सारे पानी में डूबे हुए हैं। और ये मकान देखिए अभी नया बना हुआ है। और दोस्तों बड़ा ही यह एक मुख्य विषय कि जो लोग नाले के किनारे और नदी के किनारे लोग मकान बनवाते हैं और फ्यूचर के बारे में न सोच के मकान बनवा लेते हैं और बाद में देखिए आगे चल के यही खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है कि पानी घुस जाता है। अभी ये 2.5 से 3 महीने तक लोग परेशान रहेंगे इधर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी वीडियो देखा कि ये जो माँ गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के बाद वरुणा नदी का भी जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, तो यहाँ के स्थानीय निवासी जो लोग थे इनका पूरी तरह से मकान डूब चुका है और काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा अपना एक कमेंट, एक अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ के लोग काफ़ी बेचारे परेशान हैं, अपने परिवार को देखना, किराए पे जाके रहना, काम करना, रोज की रोजी रोटी का ख्याल रखना, काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। अब सरकार से इनको कुछ सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही ये तो हमें नहीं पता, लेकिन काफ़ी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस जानकारी को फैलाइएगा। और आप क्या आप लोग भी इसी तरह से बाढ़ के चपेट में आए हुए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में हम आप सबसे विदा लेते हैं, बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत।